हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आज जो है टाइम हो रहा है 10:30 का, और इस टाइम से मैंने ब्लॉग शुरू किया है और आज तैयारी हो रही है किसी के आने की। तो आपको मेरी खुशी देख के पता लग गया होगा कि कौन आने वाला है। तो तैयारी मैंने थोड़ी सी कर दी है। राजमा रख दिया है बॉयल होने के लिए, पनीर अभी फ्रेश मंगवाया है, धुल के रख दिया है डेयरी से। मीठे में मंगवाए हैं मैंने ये वाइट रसगुल्ले, मीठा मैं नहीं बना रही हूँ, और ये बीकानेर से लेके आया है अंश अभी। और चावल मैंने भिगा के रख दिए हैं, यहाँ मैंने काजू भिगाए हुए रखे हैं, और बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। खाने में बनाऊंगी राजमा, चावल, शाही पनीर और रोटी, सैलड, रायता और रसगुल्ला आ ही गया है। तो मीठा मैं नहीं बना रही हूँ, इतना काम मुझसे नहीं होगा। देखिए बैट लगा के मैं काम पे लगी हुई हूँ। और रूम देखिए, ये वाली बेड शीट डाली है, अंधेरा हो रहा है, लाइट जला देती हूँ। तो ये देखिए, इस रूम में ये वाली बेड शीट डाली है, ये वाली, इसमें बीच में बर्ड्स हैं, ये दो जोड़ा है बर्ड्स का, ये वाली, और ये मेरे कर्टन के साथ भी सेम जा रही है, तो मतलब मैच हो रहा है सब कुछ। ये इधर हमारी जो वॉल है ये भी इसी कलर की है, तो ये हमारी थीम, आप समझ सकते हैं। थीम वगैरह मुझे आती नहीं है, ना मैं कोई करती हूँ। और ये बेड शीट मैंने क्यों डाली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये बेड शीट अवेलेबल है अगर आपको चाहिए, इस पैटर्न में किंग साइज है। ये देखिए इसमें क्या फॉल्ट निकला है, ये जो पिलो है ना, इसमें दो तरह के निकले हैं, एक पिलो दूसरे डिजाइन का निकल गया, एक दूसरे डिजाइन का। तो ये उन्होंने वापस नहीं करी, रिटर्न नहीं हो पाई है, तो ये मुझे यूज करनी पड़ी। अब किसी को मैं नहीं इसको दे सकती थी क्योंकि इसमें दो तरह के हो गए हैं ये पिलो, एक फ्लावर डिजाइन का है, एक फिगर डिजाइन का है। फ्लावर का भी बहुत सुंदर लग रहा है, तो आज मैंने ये नया फैशन निकाला है, नया ट्रेंड चला है, ये दो तरह के पिलो डालने का। और वैसे भी दो तरह के डालते हैं, दो एक जैसे दो एक जैसे। तो ऐसे मेरी बेडशीट का है, और ये मैंने आज नई पहली बारी भी चाहिए है, बस सोचा चलिए घर में यूज़ हो जाएगी, कोई बात नहीं है, तो मैंने ये रिटर्न नहीं करी। और ये अवेलेबल है अगर आपको चाहिए, कलर भी शायद इसके अवेलेबल होंगे, कलर होंगे या ये होगा तो मैं मुझे नहीं पता भी, वो तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन अवेलेबल है। और यहाँ पे अंश आया है स्कूल से, वो चेंज कर रहा है, आजकल स्कूल का टाइम आज दिन है मंडे का, चेंज हो गया है स्कूल का टाइम, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो स्कूल में इसके वाले, तो जो इसका स्कूल है उसमें बोर्ड के एग्जाम होने हैं, तो इसलिए अब 10 बजे तक ये घर आ जाएगा, 10 तक स्कूल चलेगा, सुबह 7 से 10 तक 3 घंटे, और फिर एग्जाम होंगे। तो ऐसे इसका टाइम हो गया है, जल्दी आ गया है। और श्रेय और श्रेय के पापा कहीं गए हैं, कहीं क्या, उसकी यूनिवर्सिटी गए हैं, श्रेय की एक दिन गए थे, तो उस दिन उन्हें कुछ जो है काम नहीं हो पाया था, उस दिन माँ बंद था, तो आज फिर वो दोबारा गए हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ तैयारी किसकी हो रही है। आ रहे हैं विकास, दीपिका, मेरे भाई भाभी 4.5 साल में, तो मेरे घर आज 4.5 साल में आएंगे, और बस आने ही वाले हैं, जल्दी आएंगे सुबह के टाइम ही, फिर वो रात को आना था, रात नहीं आ पाई, मेरा कितना फेस रेड आ रहा है इसमें। तो सारा काम मेरा हो चुका है, इधर भी बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है, और इनका देखिए, इनका आ चुका है ये पिंजरा, और इनको कैद कर दिया गया है, जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, काट रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, और इसमें इनका मन नहीं लग रहा। अब बाहर में इनको निकालो तो ये गंदा करेंगे, पोटी करेंगे जगह जगह, बीच में नहीं करते हैं, कोने में करेंगे, घर के किसी भी कोने में कर देंगे। अभी ये नहीं पता इनको कहाँ करनी है, ये इनके नीचे जो इसमें आया था ना, पेटी टाइप आई थी इसका, तो वो गत्ता काट के डाल दिया था, उसको काट रहे हैं, कपड़ा नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि कैसे इनको करना है। देखो आवाज आ रही होगी आपको, देखो किस तरह से कुतर के डाल दिया सारा, देखो 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 कैसे फाड़ने में लगे पड़े। तो ऐसे ये फाड़ने में लगे पड़े हैं, अभी इसमें करें ये थोड़ी देर से ही। तो चलिए जी, अब जो है मैं रसगुल्ले फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी अपनी तैयारी कर लेती हूँ, और फिर जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे पास मैसेज आ रखे हैं, अच्छा सा व्लॉग रिकॉर्ड करना और जो है हमको मिलाना, तो बिल्कुल जी। चलिए तो मैं काम पे शुरू हो जाती हूँ, बाहर मेरी मशीन भी चल रही है।
सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें डाल दिया है घी। सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ पनीर बनाने की, तो इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है घी डालने के बाद, और थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा एक दालचीनी का डाला है, और हरी इलायची भी इसमें डलती है लेकिन हरी इलायची मेरे पास नहीं है, तो बस बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। फिर मैंने ये रफली चॉप किए हुए इसमें प्याज भी डाल दिया, और तेज़पत्ता भूल गई थी, थोड़ा सा मैंने इसमें तेज़पत्ता भी डाल दिया है। प्याज मैंने ऐसे ही मोटे मोटे करे हैं, और ये है टमाटर। तो प्याज को यहाँ पे भूनना नहीं है, सारा जो भी ये टमाटर प्याज एक साथ ही हमें यहाँ पे सॉफ्ट कर लेना है, कलर इसका चेंज नहीं करना है कि प्याज हमें पहले भूनना है तड़के की तरह। तो जैसे शाही पनीर बनता है तो इसकी ग्रेवी बनेगी बाद में। नमक डाल दिया है जिससे कि जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाए, ये देखिए, और अच्छे से इसको चला दिया है। यहाँ पे 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और 4 लिए थे टमाटर जो कि मीडियम साइज़ के थे, मीडियम आँच पे उनको मैंने कवर करके छोड़ दिया है पकने के लिए। और यहाँ पे मैं जो है राजमे के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। ये टमाटर कट कर लिए हैं, हरी मिर्ची हैं, तो मोटे मोटे टमाटर हैं जिनको मिक्सी में मुझे पीसना है, अदरक का टुकड़ा है। तो ये सारी तैयारी राजमा की हो रही है, साथ साथ सारी तैयारी हो जाएगी। तो ये देखिए जार में मैंने डाल दिया है, और बस अब मैं यहाँ पे जो है प्याज चॉप कर लूँगी बारीक बारीक, जो कि राजमे के तड़के के लिए है। चॉपर वगैरह मैंने नहीं लिया है, हाथ से ही मैं इसको कर दूँगी ऐसे ही। और जब तक बीच में मैंने उसको चला दिया है, चलाते हुए हमारे टमाटर प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पानी मैंने उसमें नहीं डाला था। ये देखिए नमक डाल दिया था ना, तो मॉइस्चर काफ़ी हो गया है टमाटर के साथ, और अच्छे से ये अब मुझे लग रहे हैं कि सॉफ्ट भी हो गए हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, और प्याज तो हो ही गई है क्योंकि प्याज तो जल्दी पिस जाती है। और ये थोड़े से बादाम काजू भिगा के रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1 मुट्ठी काजू होगी और 8-10 इसमें बादाम डाले हैं मैंने। आप चाहे खाली काजू डाल सकते हैं, मगज के बीज डाल सकते हैं, जो खरबूजे के बीज होते हैं उनको भी भिगा देते हैं, तो वो मेरे पास नहीं थे। और ये हो गए हैं पूरे, इनको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, बर्तन में निकाल दिया है तो ये हो जाएंगे ठंडे। फिर इनका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है, और जब तक ये ठंडे होंगे तब तक मैंने सेम कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल लिया है ऑयल, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डाल दिया है, ऑयल गर्म ही था। और फिर इसमें डाल दी है मैंने ये प्याज, तो अब इसको भून लेना है। और मैंने सेमी कढ़ाई ले ली है क्योंकि मुझे करने हैं बर्तन बहुत कम, क्योंकि फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये साफ़ करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने कमी बर्तन करने के चक्कर में ना सेमी कढ़ाई ले ली है। तो बस इसको मुझे भून लेना है यहाँ पे गोल्डन सा कलर आने तक, बहुत डार्क नहीं करूँगी क्योंकि राजमा में पहले ही डार्क कलर होता है। और इसमें अब मैंने डाल दिया सूखे मसाले, जैसे हमारा प्याज गोल्डन हो गया था, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीर लाल मिर्च पाउडर। फिर ये पेस्ट ऐड कर दिया है टमाटर अदरक हरी मिर्च का, तीखी वाली मिर्ची मैंने नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्ची मैंने इसमें पहले से ही डाल रखी है। कर लिया इसको अच्छे से मैंने मिक्स, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूंगी नमक, मतलब टमाटर के हिसाब का ही डाल रही हूँ, मसालों के हिसाब का, राजमा में पहले से ही डाल रखा है, और इसको कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए। और कढ़ाई मैंने इसलिए सेम ही लिया, छोटी कढ़ाई ले लिया क्योंकि मुझे ये कुकर में ही फिर से पलट देना है। राजमा मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है, 1 चम्मच राजमा मसाला डाला है। राजमा मसाला नहीं है तो मैं गरम मसाला भी डाल लेती हूँ, उससे भी अच्छे बनते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन फ़िलहाल है तो मैंने इसमें राजमा मसाला ही ऐड करा है। और बस ये राजमा इसमें पलट दिया है, अब इसको करूँगी अच्छे से मिक्स, और पानी की जितनी भी इसमें रिक्वायरमेंट होगी मैं डाल दूँगी, नहीं तो ऐसे मुझे लग रहा है कि आज पानी इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये देखिए साथ साथ बॉयल आ गया है क्योंकि राजमा बॉयल ही था, मतलब अच्छे से गरम था, उसको मैंने एक साइड कर दिया है। और यहाँ बारी आती है अब पनीर बनाने की, क्योंकि वो जो मसाला था उसकी मैंने ग्रेवी बना ली है, अच्छे से ठंडा हो गया था। यहाँ पे घी लिया है और घी में डाल दिया है हल्का सा हींग और कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ी सी 1 पिंच डाली है हल्दी, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा तड़का नहीं लगेगा, सब पहले हमने ग्रेवी बना ली है इसकी, ये देखिए। और बस जो ये पेस्ट रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कश्मीर लाल मिर्च इसलिए डाली है, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा।
और बस अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और कुछ लोग इसको छानते हैं, लेकिन इतना अच्छा पिसा हुआ है कि इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये दरदरा है। इसको चला दिया है अच्छे से और इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए, जिससे कि मसाला अच्छे से ये भुन जाएगा। और वैसे तो भुना हुआ है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें इसमें आँच बहुत तेज ना करें, क्योंकि इसमें काजू हमने डाले हैं तो वो नीचे लग जाता है कई बार ये पेस्ट। तो इसको चलाते रहें। और यहाँ पर ऐड कर दिया है जो कि शाही पनीर के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है, वो है कि कसूरी मेथी। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और साथ में ही ऐड कर दी है यहाँ पे मैंने 1/2 कप मलाई, जो कि मैंने फैट ली थी, अच्छे से चला लिया था उसको। आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन मलाई को भी मैंने अच्छे से चला के डाला है, नहीं तो मलाई के भी ना पीस से अलग अलग दिखाई देते हैं अगर बिना चलाए हम डाल देते हैं। ग्रेवी देखिए कितनी देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही टेस्टी ये बन गई थी। तो इसको मैंने हल्का सा बल और लगा दिया है। और फिर इसको चलाने के बाद अब बारी आती है इसमें पनीर डालने की। तो ग्रेवी बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब इसमें पानी डाला है, थोड़ा सा इसको लिक्विड सा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी थिक थी तो अभी पनीर भी इसमें ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं करूँगी, वो फिर जो है लुक भी अच्छा नहीं आता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ, तो बिल्कुल टेक्सचर भी इसका हमें ऐसे ही रखना है जैसे कि हलवाई का होता है। और ये देखिए ये पनीर मैंने कट कर लिया था, ये इसमें ऐड कर दिया है। और बस पनीर तो लगभग हो जाएगा रेडी, 1 बॉयल आएगा, पनीर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करके, और हाँ यहाँ पे मैंने नमक इसमें ऐड नहीं करा था, जो नमक था वो मैंने पहले ही ऐड करा था टमाटर में ही, जबकि टमाटर भुने थे सॉफ्ट करने के लिए, छोड़ा था मसाला, तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए राजमा भी हमारा रेडी हो चुका है, मीडियम आँच पर मैंने रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। बहुत ही कड़ा कड़ा सा थिक सी ग्रेवी का राजमा रेडी हो गया है। और इधर है हमारे चावल जो कि इंडक्शन पर रखे हैं, वो मैं चेक कर रही हूँ, और जब तक अपना रायता रेडी कर लेते हैं। ये दही मैंने कल शाम को जमाई थी घर में ही, और जो हम फुल फैट की दूध की दही जमाते हैं ना, जो फुल क्रीम दूध होता है, तो उसकी बहुत अच्छी जमती है। अगर मेरा घर का जैसे कि मलाई आ जाती है ना हमारे दूध पे, तो उसकी इतनी अच्छी नहीं जमती है। तो ये पैकेट वाला दूध था, इसमें मैंने बूंदी डाल दी है, और बूंदी मैंने ऐसे ही बिना भिगाए डाल दी है क्योंकि अभी टाइम है, तो बूंदी इसमें फूल जाएगी। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और अच्छे से कर दिया है इसको मिक्स। और जो ग्रीन मिंट है वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने सुखाया हुआ है, अभी मेरा सूखा रेडी नहीं हुआ है, गीला था तो वो हल्का हल्का सा हो रहा है, तो वो मैं इसमें हल्की सी पत्तियां यहाँ पे डाल रही हूँ जो कि क्रस्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई है क्योंकि वो गीला है। और थोड़ा सा डाल दिया है रेड चिली पाउडर ऊपर से अच्छा दिखने के लिए। चिली फ्लेक्स होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ख़त्म हो रखे हैं और वो अभी मेरी ग्रोसरी आई थी, मुझे याद ही नहीं आया। तो ये देखिए अब हमारा पनीर भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी, रिच ग्रेवी का पनीर बना है, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे खाना लगभग मेरा रेडी हो चुका है, रायता भी रेडी हो गया है, और आटा मैं अभी नहीं बनाती हूँ, तो आटा अभी मैंने नहीं बनाया है, बाकी खाना सब तैयार हो चुका है। ये देखिए राजमा, राजमा इतना टेस्टी बनाया, खाने का मन कर रहा है देखते ही, बहुत ही अच्छी ग्रेवी, बहुत ही बढ़िया राजमा बनाया, और उधर चावल, तो सारा खाना रेडी हो चुका। हाँ जी 12 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट बची हैं, और मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है खाना बनाने के बाद, खाना सारा रेडी हो गया है। और इधर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा है, क्योंकि मैंने इसमें भगोने में चावल बनाए थे और एक भगोने में मैंने दूध रखा है, तो फिर मैंने चावल पलट दिए हैं छोटे में, और वो सारे बर्तन साफ हो गए हैं सारा खाना बना के, और वो लोग अभी तक नहीं आए, आफ्टरनून में आनेंगे, आफ्टरनून में आने का इरादा होगा उनका शायद। तो 12 बजने में है 5 मिनट, सारा खाना बन गया था 11:30, 1 घंटे में सारा खाना डन हो गया था, रायता वगैरह सब, सैलड वगैरह बचा है तो सिर्फ 2-4 फुलके सेकने, तो ये मेरा काम बचा है। और हंस बाबू क्या कर रहा है बाहर, हंस बाबू फैला रहा है कपड़े, देखो आज पहली बार कपड़े फैलाए, हो किसी का मुँह उधर को, किसी का इधर को, मतलब उल्टे पुलटे इसमें हर दोनों तारों पर सब डाल दिए, डाल दे बेटा आज उल्टे पुल्टे सूख जाएंगे, और मुझे उल्टे पुल्टे कपड़े सूखने बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत से लोग एक यहाँ डाल देंगे, एक वहाँ डाल देंगे, बीच में उसके कुछ और डाल देंगे, मैं बिल्कुल सेट वाइज कपड़े सुखाना पसंद करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। पर जब कोई काम हो रहा है और हुआ हुआ हमें मिल रहा है, हमें करना नहीं पड़ रहा है, तो वो सब ठीक है।
तो चलिए जी, मेरे पैर दुखने लगे। और हाँ, ये देखिए एक और क्या करतूत मेरे साथ हुई है, दिख जाएगी क्या, मेरी चप्पल, ये देखिए ये टूट गई है मेरी चप्पल। और एक मेरी टूटी है कल शाम को, कल दोपहर शायद 3 बजे, वो मैंने आज डस्टबिन में फेंकी है, और ये दूसरी भी टूट गई। शायद ये विकास को गरीबत दिखाने वाली बात हो रही है मेरे साथ। मैं ऐडा की पहनती हूँ, और ऐडा की मेरी ये दो जोड़ी थी, दोनों ख़राब हो चुकी हैं। आज मुझे चप्पल लेनी पड़ेगी अपनी घर की डेली यूज़ की। तो ऐसा हो रहा है मेरा काम। सो गए बेटा सारे, इतनी थक गई, फुलके सेकने पड़े हैं, आटा भी नहीं बनाया है, तो देखती हूँ जैसे भी होगा हो जाएगा। बाकी खाना मैंने खड़े खड़े सारा रेडी कर दिया, और अपनी बेल्ट खोलती हूँ, पानी पीती हूँ। अब आराम से जो है हाथ आ गया था, रेस्ट करती हूँ। हैंगर होंगे बेटा, और ये इतने परेशान हो रहे बेचारे इस पिंजरे में, हे मेरे राम। खोल दो इनको, खोल दान से इनको, बेचारे परेशान हो रहे बहुत ज़्यादा। नमस्ते मामा जी, नमस्ते, नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामा जी, नमस्ते जी। अरे पापा बदल गया जी हमारे तो, वीडियो में फिर भी सही है। अरे भाई चलना था हमें 9 बजे ही चलना था, ये डॉक्टर के चले गए, पेट में दर्द हो रहा था। तो कहना है वो खाली बोले खाना यहाँ पे लग गया है, और जो है लेट काफ़ी आए हैं ये लोग, बहुत लेट हो गए, 1:30 बजे ही आए हैं। फिर मैंने बोला कि इतना लेट क्यों, क्योंकि सुबह का बोला था कि 11 बजे तक हर हाल में आ लेंगे। तो विकास को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में दर्द हो गया था उसके, तो ये आज का जो है लंच रहने वाला है। और जितना मुझसे हुआ तो उतना मैंने किया, लेकिन भाई के आने का, भाभी के आने का इतना मतलब वो होता है खुशी, तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये बना दूँ वो बना दूँ, लेकिन मेरी हेल्थ अभी उतनी नहीं है कि मैं बना पाऊँ। फुलके इन्होंने ही सेक दिए थे, तब तक ही आ गए थे श्रेय और इसके पापा, तो इन्होंने आके फुलके भी सेक दिए थे, वेट कर रहे थे, और जैसे ही 2 फुलके सेकने बचे थे तभी ये लोग आ गए। खाना मैंने एक ही प्लेट में लगाया था कि आपको सर्विंग दिखा दूं, और फिर बस मना करने लगे सभी कि एक ही जगह लगा लो, मतलब ऐसे डाल के एक जगह ले आओ और फिर प्लेट में ले लेके ना सब खा लेंगे, आराम से बैठ भी जाएंगे इस बहाने, और इतने सारे बर्तन भी नहीं होंगे क्योंकि दोपहर ही भर रही है। और ये देखिए दीपिका जो है आ गई है किचन में खाना सर्व करने के लिए। और बस इस वीडियो का एंड तो मैं यहीं पे करती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर पूरा इसमें रिकॉर्ड करूँगी। इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिल लीजिए मेरे भाई भाभी से जो कि इतने दिनों बाद मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। मिलूँगी बहुत जल्द इसी के पार्ट 2 में, उसमें और अच्छे से मिल लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।